तो ये राधा कृष्ण नवद्वीप में दोनों एक हो गया, एक तो ये बात हमने बताया। अभी तो हमारा क्या होगा, काम बहुत सही कथा किया श्री ब्रह्मा, ब्रह्मा का भी दुर्भाव बहुत और प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु लेकर के सबको सबको देने के लिए बोला। इस तरीका से बोला, बोला कि ये प्रेम फल देव जा रहे सब, इसलिए गौरीमा बोलो ईश्वान बोलो आजू बाजू में सीखना सर्वस्व को अनुसरण करते हुए इतना आसान सच है। सब देखो सब कोशिश में है, सबको दीक्षा देना। दीक्षा का मतलब था मन से प्रेम भाव प्राप्त करने का मार्ग, क्योंकि हमारा दीक्षा में एक ही लक्ष्य है सबको हरिनाम कराना। हरिनाम करो, हरिनाम उत्साह हो, ऐसा जितना मंदिर है ये मंदिर झगड़ा के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिल से हरिनाम करना, भक्तों को सेवा करना और भगवान यही शिक्षा चैतन्य महाप्रभु मतलब श्री कृष्ण चैतन्य जब जगन्नाथ जी में थे उसी टाइम कुली गांव में रहने वाले कई भक्तों सत्य राजस्थान माला बसु राजशेखर बसु ऐसा करो, भक्तों का सेवा करो और भगवान का सेवा जो भी हो ऐसी बात से भरे चले तो वैष्णव ब्रह्मा जी लो दुर्गम देखिए शुद्ध वैष्णव गंगा के मिलना बहुत दुर्लभ है, मतलब आसानी से नहीं मिलता। शुद्ध वैष्णव का सहारा आसानी से नहीं मिलता। भाग अच्छा है तो मिलेगा ना, क्या क्यों हनुमान ऐसा करो, हमारा पूर्व आचार्य ऐसा ही बता गया क्यों, जे कलि युग में कलि युग में देखो हमारे बंगला में बोला, बंगला में ऐसा बोला बंगला में ऐसा बोला कि जे होली काले साधु पावा कष्ट बड़ जीवे रे जानिया, ताई साधु रूपे कृष्ण आये नदिया। कलयुग में साधु मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कृष्णा
साधु को लेकर के भक्तों को लेकर के नदियां में आगे ऐसा बोला पूरा आचार्य। लेकिन आज देखो कलयुग में कितना साधु न क्या लाल कपड़ा तो थोड़ा भरा हो बाबा जी सन्यासी तो परम भरा हो तो ऐसा ही बोला। ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। देखो फिर से हमारा तीन साथ ऐसा बोला कि जब जब देखो समाज में बहु लाल कपड़ा पहन के लोग आ गया तो सोचो कि समाज में कोई गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ और गड़बड़ हो रहा ऐसा बोला। मतलब बंगला में ऐसा बोला जखम देखिए समाज बहु लाल कपड़े प्रादुर्भाव होना तक निश्चय कर समाज को जब जब देखो समाज में बहु लाल कपड़ा पहन के साधु तब सोच लो निश्चित रूप से सोच लो जे ये समाज में कुछ गड़बड़ चले ऐसा सोच इसलिए देखो इसी जगह लिखा है ब्रह्मांड दुर्लभ देखी अनुभव शिवा से घर में भरे जाते तो वैष्णव तो शुद्ध वैष्णव और ब्रह्मा जी का भी अनुभव। हाँ ये वैष्णव हमारा पास में विश्वंभर गुरु जी है विराजमान है विश्वंभर को शुद्ध वैष्णव इसलिए इसलिए क्या करते तो हमारा दिल तो खुशी खुशी में भर भरना तो ऐसा मंदिर में ऐसा डॉक्टर आना तो गुरु जी का सुख होता ये बात सही है। गुरु जी ऐसा बोलते थे जब वैष्णव खुशी होगी मंदिर में तो सोचो कि ये भगवान खुशी है। इसीलिए देखो हमारा उनका जो उत्सव मना रहा है पहले पहले तो दो रूप था हमारा लेकिन उनका इच्छा है सबको कपड़ा देना सारी वैष्णव को कपड़ा देना सारी वैष्णव को कपड़ा देना अच्छी तरीका से खिलाना फिर से दक्षिणा दे देखो हमारा मंदिर नहीं दो कक्ष लेकिन गुरु जी सबसे उसी टाइम पर गौरी मठ का सबसे बड़ा पंडित फिर भी कुमार से भी बड़ा फिर भी प्रभुपाद जी के पास आने इस प्रकार सुंदर थी। प्रभुपाद जी के पास आया 1915 माधव गोस्वामी महाराज श्रीधर गोस्वामी महाराज सब जो सब आया 1926 इसी हिसाब से सीनियर उमर से सीनियर पंडित से सीनियर तो कोई प्रोग्राम बनाने से
कितना अच्छा लिया आजू बाजू निमंत्रण नहीं देने से आज महाराज के उत्सव चलो शब्दवर्ष में कोई पिक्चर नहीं शब्दवर्ष पूर्ति में कोई लग गया तो उसी में देखो जब मायापुर में देखो शंकरिया में अज्ञा ही अज्ञा 1997 में जो उत्सव हुई मायापुर में मायापुर में उत्सव हाँ मायापुर में जो उत्सव हुई वहीं पे इतना इतना भक्त जोड़ा हमारा मंदिर को दिया तोड़ने का विचार ऐसा हम पूरा साउंड सिस्टम लगा दिया जहाँ पे फेरी है ना वहीं से इसका तक पूरा लंबा साउंड सिस्टम लोगों को घुसने का कोई मौका नहीं मिला इसीलिए बाहर से बारिश भी हो रहा था तब भी लोगों को बुखार आना मुश्किल गुरु जी का कथा बहुत आज 1998 साल में 1998 में जो जगन्नाथपुरी में हम जब पता है हृदय को उठे आप कुछ वहीं पर देखा ये पुलिस पुलिस जो है पुलिस कैंप लगा मंत्री चीफ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उड़ीसा का राजा चार दिन सभा चार लोग गुरु जी का आकर का आशीर्वाद ले लिया लेकिन ऐसा भी हुई जे अटल बिहारी वाजपेयी भी जाने के लिए सीधा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री वो भी जाने के लिए तैयार थे लेकिन उसी तरह कारगिल युद्ध में तो इसलिए हमको हम सब सबका बेटा भेजा जो हम आ नहीं सकता तो लेकिन हमारा देखो हम गया ना वो गुरु का जो हाँ जो जो जीवनी निकला देखो देखो ऐसा शुद्ध भक्तों को मिलना बहुत मुश्किल है और मिल गया तो छोड़ो मत पकड़ लो पैर पकड़ लो क्यों वही हमारा इस दुनिया दुनिया का दुख का दुनिया का ये दुख का दुनिया से मुक्ति का मार्ग शुद्ध भक्त एक बार बता देगा तो भगवान को हमारा ये बता देगा तो भगवान नहीं कर देगा देखो हम लोग ये वैष्णव बंधन आंसू है क्या लिखा है वैष्णव आवेदने कृष्ण वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव हमारा राज्य रामायण को ही देखा हो शुद्ध वो कुछ हमारे लिए भगवान के पास विनती कर देंगे तो पूरा हमारा जिंदगी कभी कभार शुद्ध भक्तों कृपा कर लेकिन भगवान रोक भगवान हमारा दिल का इच्छा पाता है भगवान कभी कभार देखो हम कुछ उल्टा सीधा वैष्णव का बारे में अपराध नहीं हो रहा वही वैष्णव के पास जाकर परमात्मा जाकर के बोला हम ऐसा अपराध नहीं
माफ कर। ऐसा बता रहा हम सोच रहा कि वैष्णव तो सरल हो, सरल वैष्णव का स्वभाव से सरल है, जो वैष्णव होगी वो स्वभाव से सरल हो पाएगी तो माफ कर। लेकिन भगवान माफ कर जब तक हमारा दिल से नहीं, भगवान दिल में सबका दिल में है, देख लेता आप दिखावा पापी कर रहा कि दिल से कर रहा कि मिलती एक गलत हो गया कि अंदर बोल रहा दिल से बोल रहा ना दिखावा पापी तो दिखावा भी होगा तो भगवान नहीं भगवान की बात नहीं है प्रतीक्षा कर। हाँ आदमी काम होगा जब तक तुम्हारा दिल साफ नहीं हो गया हमारा दिल सर नहीं होगा हमको शुद्ध वैष्णव बोलने से भी कृपा नहीं होगा और बात समझ रहा है। इसीलिए जो कुछ करो दिल से करो, दिल लगा के करो, जिसमें फिर विश्वंबर को बोलने दिल लगा के कीर्तन करो। पहली जब पहली चार पाँच साल पहले जब आया उसी टाइम का विश्वास हो वहाँ विश्वास होगा और बदल दिया अच्छी तरह से बदल दिया, ऐसा नहीं बुरा था। सब का ऐसा बदलना चाहिए, सेवा में टूटना चाहिए, वैष्णव सेवा में भगवान का सेवा में सब टूटना। एक टूटने के लिए हम लोग आए मंदिर में आया दीक्षा लिया परिणाम इसलिए सही सेवा से भरे चौथे को वैष्णव जितना वैष्णव सेवा का घर में थे कर्मों के मित्र में तो उदय आचार्य गदाधर पंडित और मुकुंद और जितना सब पार्षद थे सबको लेकर के राम की कृष्ण हम लोग एक दिन बनाएगा। हम तो जन्माष्टमी का दिन पिछली साल बोला कि ये सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कीर्तन हमको दिया 3 घंटा 6 से 9 करके चले गए। हम बस 6 से 9 दुर्गा के पास चले गए। उसके बाद 1 लोग 2 लोग तब भी नहीं खाते लेकिन है तो सब बहुत हाँ सब सेवा में जो सेवा में नहीं थे वो भी नहीं आते क्यों हमारा इच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं इच्छा हुआ इच्छा क्यों नहीं हुआ ऐसा पता है गोलोक से गोलोक का प्रेम दो हरिनाम रूप रूप लेकर ये आज के युग में प्रकट हुई सबके पास क्यों सबको उद्धार करने के लिए दुख का दुनिया से उद्धार करने के लिए लेकिन तब भी प्यार नहीं। जब जाति का साथी हो ये दोनों की स्वयं लेना शादी उस दिन पूरा चीज को ठीक ढंग से करने के लिए बलिदान भी सोया जाए क्यों बेटी का शादी हो प्यार बेटी जो प्यार हमारा इस दुनिया के साथ है दुनिया के रिश्ते के साथ है वो प्यार हमारा बनाना चाहिए उसके पास उसके साथ भगवान
यही शिक्षा हमारा पूर्व बाटा है विषय प्रीति हो हमारा भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए जो लालच है वो लालच है कि हमारा भगवान का सेवा कैसे बना बोला कि साधु संग में साधु का सहारा लेकर के जब नाम हम लोग करेगा तो जरूर धीरे धीरे दिल के वो प्रयास छोड़ेगा। एक साथ में नहीं होगा तो जो धीरे धीरे छोड़ेगा। इसलिए देखो शुद्ध भक्त का संग जरूरी है। साधु संग में सब कुछ हो सकता है लेकिन दिल से साधु संग करना पड़ेगा। दिल से करना पड़ेगा, दिल से नहीं करोगे तो साधु का जो फल भगवान होगा। और साधु जब बता देना दिल से प्रभु जय जैसे भी हो, देखो कृष्ण रुष्ट भोले गुरु राखी के भाई, गुरु रुष्ट भोले कृष्ण राखी के भाई। कृष्ण का गुस्सा गुरु को समान, कृष्ण गुस्सा को टाल लेकिन गुरु जब रुष्ट हो जाए तो कृष्ण तो बता दे गुरु वैष्णव जो हमारे लिए बता दे प्रभु जी करो उनको कुछ आज नहीं बता तुरंत नहीं है तो बात होगा वैष्णव का आशीर्वाद शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद फल नहीं होगा ऐसा नहीं फल होगा ही इसलिए जितना होगा लेना चाहिए सबको सब इस समय को राष्ट्र भोजन करो तुम्हें हमारे विदान बोला जो उठो भोजन करो हमको पूजा करो सपना में बोलो हाँ देखो भोजन करो तुम हमारा रविदा हम जा रहा तो भोजन कर लो आओ आर बार आशीर्वाद भोजन भगवान भगवान शुद्ध भक्त का भजन कर जब पका के देने की शक्ति का सब कर पहले भगवान को भगवान शुद्ध भक्त जो अर्पण करेगी तो साथ साथ भगवान का जब हम ही ऐसा हो रहा तो हमारा मायापुर में जो पुल पर विद्या है मायापुर विद्या तो विद्या बना दिया पहला गौर बना था मायापुर विद्या बना हाँ रोज जाते हम तो हार रोज बोलते
मैंने और तो देख से देख देख के बोल गौर बाबा राम भाग पिता जगत का सुनिश्चित किया जय श्री कृपाद जी ने अगले भूषण का साइन समय पर भगवान के सुनने से लेकिन गौर बाबा तो देखते हैं यार क्या किया गर्मी में मंदिर के अंदर में कोई एसी नहीं थी, खिड़की बंद करते जो तुम सिंगार करोगे चंदन दर्पण में चंदन लगा के सिंगार करोगे तो खिड़की बंद करना चाहिए द्वार बंद करना छप्पन कुंडलियाँ तो अभी भी नहीं थी क्या अंदर में क्या गर्मी थी ज़्यादा तो होगा तो जो गर्मी का वजह से हो जो भी हो मन का अंदर में कोई विचार आया मैंने श्रद्धा नहीं और अश्रद्धा से भगवान मन गौरव को इस प्रकार कैसे तो क्या हुआ गदा हुआ इंद्र के पास पूरा गुरुदेव मंदिर का पास में हम भजन मिले हाँ उपाय मिले भजन को भी प्रारंभ करके पूरा कहानी तुम्हारा पुजारी हमको अशुद्धा लेकर के तो गुरु जी तो उसी टाइम तो 97 या वो 97 वर्ष उम्र है मंत्री ने किया नहीं द्वार बंद सब कुछ है सीधा भी छोड़ रहा वो देख रहा हूँ हमारा क्या विचार को हम क्या कर रहा तो कौन नहीं रख जब गदाधर बता दिया गुरुदेव को गुरुदेव तुरंत मैं उसी जाए मंदिर का पहले हमको बुलाया हम अपने मंदिर अभी जो ऑफिस है ना अभी जो ऑफिस है जहाँ तो अभी रानी के पास वहीं से हमारा सोने का जगह है उनके पूरा थैंक्स होम सर्विस 24 घंटा ऑफिस में तो जो भी हो हाँ तो बुलाया दोपहर में हम जहाँ करते हैं तो कभी तो देखा नहीं कुछ क्रोधित हो गया देखा कुछ दिन क्रोधित हमारा मंदिर तो पुजारी को ना खुला होने का अभी खुला हम सोचे ना क्या हो हमको बुला पुजारी को बुला तो जो भी हो पुजारी जब हम बुला के लेते हैं बुलाया और गाने से भाजी बोल रहा तू ऐसा क्यों तुम्हारा पता है तुम क्या किया इस प्रकार मानना कि भगवान को क्या करा तो पुजारी को आप आश्चर्य हो गया मैं तो द्वार बंद खिड़की बंद सब तो ब्रह्म बंद कर भी किसी कैसे पता चला तो आप पुजारी बोल रहा गलती हो गई ऐसा बोलने से काम नहीं होगा तो दिल से माफी मांगो नहीं मांगोगे तो तुम्हारा भक्ति नष्ट हो जाएगा साक्षात ब्राह्मण है गदर गति से प्रणाम मंत्र दिया प्रणाम मंत्र पता करो तो पता चलता लाली शक्ति स्वरूपाय गौरांगोष्ठी गौ सती भक्त शक्ति स्वरूप
সর্বপূর্ণ মনসুখী লাভিনী আনন্দদায়িনী আনন্দ দেওয়ালা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু লাভিনী শক্তি স্বরূপ গৌরাঙ্গ শ্রীদে ভক্ত শক্তি স্বরূপ দেখো সুখ সারিকা সুখ বল রা হমারা কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উঠা দিয়া সারি বর্ণনা উঠা দিয়া তো সেই লেকিন হমারা রাধা শক্তি দিয়া এসেছিল তাকে দেনে বলা তো না আমরা সারি ভক্ত ভগবান বিচার দিয়া বিচার দিয়ে মন্দির মায়া দীক্ষা দিয়া জরুরি দেখো এই তো আম সবকে শক্তি দিয়ে রাখুন ভক্ত শক্তি স্বরূপ ভক্তকে শক্তি দিয়ে রাখুন জানে জেসে ভি করো কোই কুছ বললে বলা নেই শুদ্ধ ভক্ত কা তার ভগবান হামারা পদ নেই না হামারা দিল মে বহু অনন্ত হ্যায় জব তক অনন্ত হ্যায় ভগবান আ নেই সকতা इसलिए हम सबको पास उनका सुख भक्तों का अनुभव फिर भक्त क्या करते आचरण करते हुए सबों की शिक्षा देते हम लोग शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के उनका अनुसरण करने से धीरे धीरे हमको भी शुद्ध भक्ति मिलती है यही विचार वैष्णव धर्म का विचार यही है और कहीं জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দৃষ্ট বাহিরে বিশ্বরূপ দর্শন স্বপ্ন হলো না তো স্বপ্ন তো কি টুটা তো দেখা বাহার কোন হ্যাঁ বিশ্ব কোন হ্যাঁ দেখো তো নিত্যানন্দ আগে ধুই কাহা পে এক ক্ষেত্র গাঁও মে পদ্মাবতী আর হড়াই পণ্ডিত কা ঘর মে পদ্মাবতী কোন হ্যাঁ নিত্যানন্দ লোক মামী হরাই পণ্ডিত কোন হ্যাঁ পিতা তো ঘর মে জন্ম দিয়া উনকা নাম পেয়ে দিয়া থা কুবের থা কুবের থা তো একবার এক সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী কা নাম লেখা দিচ্ছা যদি তোমার ওই বোর রাহা যে হোস একটা ঈশ্বর করি হোস একটা মানবেন্দ্র করি হোস একটা
तीन लोग हैं हाँ फोर्थ थिंग ग्रुप हाँ फोर्थ थिंग ग्रुप फोर्थ थिंग ग्रुप फोर्थ थिंग ग्रुप तो नाम लिखो नाम बोला लिखा सुनो लिखो लिखा जैसे अनुमान चैतन्य प्रवास से निकला वर्णन महाप्रभु का गुरु ईश्वरपुरी का आश्रम चैतन्य का नाम है नाम चैतन्य प्रभु गुरु का गुरुपा वहीं से निकला हुआ है पिता उसका नाम भूल गया रघु वहीं से निकला हुआ पिता ऐसा ईश्वरपुरी आनंदपुरी और पृथ्वी का पता नहीं रघु तीन नाम होता है हो सकते एक क्यों ऐसा क्यों धुआं सा क्यों अरे जो निष्काम में हो साक्षात गुरु पर उनका गुरु कौन है लक्ष्य लक्ष्य उनको और कौन हो सकता इसलिए धुआं सा कौन आया तो जो भी हो उसी टाइम कोई अतिथि घर में आया जो अतिथि को सुख करिए अतिथि जो बोलेगा पैसा ही तो अच्छी तरीके से सेवा की जो विदा लेने का टाइम आ गया समय आ गया तो विदा लेने का समय पर क्या किया बोला और कुछ सेवा है तो सभी पति पत्नी हरे पंडित और पद्मावती दोनों मिल के बोल रहा आप बोलिए और कुछ सेवा है तो आपका सेवा में हम सब कुछ है ये भाषा जब हमसे निकल गया तो बोलना ये बात सही है तो हम जो बोलेगा तुम करोगे तो देखो ऐसा भगवान कभी कभार ऐसे किसको का लीला है देखो विश्वामित्र विश्वामित्र अयोध्या में अयोध्या में दशरथ का राजमहल है उसी समय पर भी चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई वशिष्ठ ऋषि का आश्रम से पढ़ाई समाप्त करके महल पूरा खुशी खुशी में भरा हुआ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जितना सब पत्नी थी सब भरा महल खुशी खुशी में भर गया तो क्या है हाँ सब खुशी खुशी उसी टाइम फिर से विश्वामित्र ऋषि आ गया और खुशी खुशी तो विश्वामित्र को दशरथ महाराज अच्छी तरीके से वेलकम मतलब स्वागत करते हुए तैयार होते हुए सब कुछ अच्छा करके ज्ञान ऐसा ही बोलिए और क्या तो क्या हुआ विश्वास तो क्या हुआ हम जो बोलेगा तुम देगा तो बोला हाँ हाँ जरूर देगा देखो बोलो फिर से सोच के बोलो हाँ सोच के बोला जो बोलेगा वही राम जस्ट आया गुरु का आश्रम से पाठ मतलब पढ़ाई समाप्त करते ये वापस गया खुशी खुशी होगा सब चलता खुशी खुशी अचानक दशरथ का श्री पद्मा तो
दशरथ महाराज जब सुना राम का आना विश्राम तो बोला कि मैं जा सकता राम का क्यों तो तुम्हारे लिए काम नहीं होगा। तो मजबूरी पड़ गया, बधा कर लिया। इस प्रकार भी वो सन्यासी भी उसको तो पता तो पता है विश्वामित्र के पास राम लक्ष्मण से भिजवा दिया तार पर मारने के लिए, उस राक्षस को मारने के लिए उसको विश्वामित्र को हामन किया। हामन से हामन कुल से निकला हुआ जो शस्त्र उठा सब राम को दिया, सब दुनिया को तुम शासन करो, दुनिया को ठीक ढंग से धर्म प्रतिष्ठा करो। तो पता नहीं उसके बाद धर्म उसके बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में गया। जनक राजा के माहौल में गया, जनक जनक नंदिनी सीता देवी को जनक का बेटी सीता देवी का शादी का तो शाम पर सभा होगा निमंत्रण का विश्वामित्र को विश्वामित्र दिए दिया राम लक्ष्मण के साथ। ये सब पूरा सब जुड़ा है, भगवान का प्री प्लान है क्या होगा कैसे होगा सब प्री प्लान है। तो उसके बाद तो पूरा कहानी पता है सबको। यहीं पे भी कुबेर को इस प्रकार सन्यासी मजबूरी पड़ गया सन्यासी जाते जाते एक जंगल में घुस के सरोवर में स्नान करने के लिए जाने का बता के चला गया। फिर से वापस नहीं आया। अरे तो कहा कोई कीर्तन लोगों में चिंता में लिखा नहीं एक बहुत कभी शुरू हुआ। तो जो भी हो नाम तो नहीं दिया लेकिन वो लोग बहुत पाया। तो जो भी हो तो क्या हुआ वापस नहीं आया। अंधारा आने वाले 10 साल का उम्र 10-12 साल का उम्र क्या करे। चिंता करते करते उसके बाद अच्छे रूप बहुत कार्य किया। फिर मैं सरोवर का स्नान करने के लिए गया, कपड़ा से थमा बना उनका आया नहीं। तो अचानक आकाशवाणी होकर हो गया हे कुबेर तुम्हारा नाम कुबेर नहीं तुम्हारा नित्वानंद तुम्हारा वस्त्र ऐसा नहीं तुम्हारा वस्त्र होगा नील वस्त्र। देखो उनके वस्त्र तो ऐसा प्रयोग पूर्णा जो विश्व रूप वहां पे पांडवपुर में जो उनके हो सकता जंगल में पता नहीं कहां हो सकता विश्व रूप। विश्व रूप कहां कैसे चला गया किसी को पता नहीं मुझे विश्वास हो सकता है तो हुआ कब ऐसा नहीं पता। तो देखो तो विश्व रूप कहा नहीं आता विश्व रूप नित्यानंद का हम होमियोनिमाई चरित पढ़ो उनके जन्म होमियोनिमाई चरित नाम के एक किताब है होमियोनिमाई चरित बंगला में आया हिंदी में आया है इसमें का नाम है उनके लिखा। जो भी हो चक्षु मिलनी चाहिए यही विश्व देखते देखते मात्र भूलिता हमको ना
ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಮಾನವರು ಅನೇಕ ಆಹಾರ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣର ଦୁର୍ବୋଧ ଦୁର୍ବୋଧ ଓ ଦୁର୍ଯୋଗ ହିନ୍ଦୁର ଲୀଳା ରହସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦୁର୍ବୋଧ ସମାଜ हमारा आपका ज्ञान भौतिक ज्ञान से हम लोग सोच नहीं सकता भगवान का लीला और दुर्देव कुछ कोई लोग बना के बोल नहीं रहस्य ऐसे है भक्ति से प्रकट है কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারে বুঝিতে কোন রূপে প্রকাশ কৃষ্ণের রহস্য দেখো ভগবান ব্রহ্মাকে বলা কে বলা জ্ঞান বলা বিজ্ঞান সমন্বিত आज भी सारा समाज सोच रहा है भगवान कृष्णा जसोदा मैया भगवान कृष्ण का खुश कर रहा है मतलब जन्म लिया अमशल्ला जेल में बाल पोष हुई कहां पे जसोदा मैया लेकिन हरिवंश ऐसा नहीं बोलना हरिवंश में हरिवंश किसान में बोल रहा हूँ दोनों जगह पे जाना एक शाम में ये रहस्य नहीं एक शाम में नंद महाराज का माहौल में आविर्भाव और कंस का जल में आविर्भाव देखो देवी का कोई कोप का कोई पीला नहीं कोप का पीला भगवान प्रकट हो चार हाथ लेकर ऐसा तो बोला पता है चार हाथ लेकर शंख चक्र बला बनो हाँ बोला अविराशत हरिवंश भरने वाले प्रकट बनो प्रकट हो लेकिन हाँ लेकिन दशरथ महीने का खूब थक गया पहले जो घुमाया था इसके बाद में क्या हुआ न दोनों मार छोड़ का जब देखो रहस्य जेल के अंदर कैसे देवी का पति वसुदेव कैसे निकल सकते बाहर में कितना चाबी लगा था कितना लॉक है लॉक कैसे खुल गया कितना सा गार कैसे सो गया मौसम किस किस तरह बदल गया सब कुछ बदल गया भगवान उनका लीला पूर्ति करने के लिए सब कुछ बदल गया अपने आप गेट खोल दिया चला गया जाने से निशान साथ क्या हुआ ना जब नंद महाराज का माहौल में प्रवेश किया
যশোদা কা কৃষ্ণ আর বসুদেব কা কৃষ্ণ, মানে দেবী কা কৃষ্ণ মানে ইসলে চৈতন্য চরিতামৃত ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा क्या बोल रहा हाँ कृष्ण कृष्ण विष्णु तत्व कृष्ण रसमी विष्णु द्वारे कृष्ण करे ओषुध संहार भगवता विष्णु कृष्ण का शरीर बोल रहा कौन विष्णु देवी कृष्ण विष्णु वासुदेव कृष्ण अरे वृंदावन दोनों एक हो गया। आप जो असुर को मारा कृष्ण के बाहर से देखो कृष्ण में कृष्ण बकासुर को मारा कृष्ण जो मारा काकासुर को मारा जो पुतला को मारा ये सारी असुर को कौन मारा कृष्ण का रूप करके विष्णु यही हमारा चरित्र चरित्र में चला कृष्ण का चरित्र दर्शन किया एक रौश है रौश है कि नहीं पूरा विश्व रौश है कृष्ण रहस्य कृष्ण ना पानी बुझीते कौन रूपे प्रकाश ना करे न कहा से कृष्ण का रहस्य कृष्ण का लीला कृष्ण का विचार कृष्ण का कृपा हम कुछ एक समान नहीं ना करे जीवित समान कौन रूपे प्रकाश कृष्ण भगवदगीता में क्या बोला जी यथा प्रकटन्ते देखो हमारा भगवान ठाकुर जी जयवर्धन में आते हुए हम लोग सोच रहा मुसलमान बेकार है देवी देवता देवी देवता को पूजा करने वाला वही बेकार है कोई कोई मनोभाव नहीं है सबको लोगों का ऐसा सोच रहा था हम देखा कभी भक्त को ऐसा बोल रहा शिव जी बेकार वैष्णवान यथा शंभु शिव जी को पूजा करो तो कौन है अरे जमन तो भगवान के देव देवी देवता का पूजा करो मतलब क्या जो देवता पूजा करो तो देख लो पितृ जानती पितृव्रता भगवान का जो लाली आई लाली कौन चंपा का देवी बना लेकिन भगवान क्या बोलना अमर वंशो जीवलोकी जीव भूतो सनातन बोला अर्थ क्या है जीव हमारी अंश हमारे काम सर लेकिन छोटा हमको भूल गया माया ने पास किया हमको भूल गया इसलिए देखो जल्द सबको क्या पता नहीं कौन सा अच्छा और ध्यान है लेकिन अपनों ने बोला मुसलमान भी एक तरीका है अल्लाह का मान का कोई आकार नहीं अल्लाह का आकार नहीं उसके पास कुछ दिन आकार देकर फिर आगे तक नहीं होगा कोई लोग बोल रहा है कि भगवान हमारे लिए काली हुआ हाँ काली हुआ भगवान काली आ रहा हमारा आपन लेकिन काली का जो जो सत्ता देने वाला उसी का दूध देगा
उनका जो क्षमता उसी बात तंत्र संपन्न होता है। लेकिन पुराण से जहां पे जाने से और वापस नहीं आना चाहिए, पतन नहीं होता, वो होगा ब्रह्मा बता दिया, ब्रह्मा सबको बता दिया क्या हो रहा ब्रह्मा विश्वराम विश्वराम परम कृष्ण बोला देखो भगवान को सृष्टि का पहला जीव कौन, ये सारा दुनिया का सृष्टि भगवान किया, किसके द्वारा किया, भगवान संकर्षण द्वारा किया। संकर्षण एक रूप, एक रूप है क्या, नकारात्मक से महान माया के ऊपर दृष्टि रखते हुए एक दुनिया सृष्टि, माया का दुनिया माया का दुनिया में पहला जीव कौन, ब्रह्मा, ब्रह्मा बोला भगवान, ब्रह्मा मतलब भगवान मतलब ऐश्वर्य, कौन ऐश्वर्य सर्प ईश्वर, बाण मतलब माली, सर्प ईश्वर्य का माली कौन, कृष्ण, कृष्ण माली। हम सब माया का धंधा में फंस के हम लोग हो सकता है, मैं इस मंदिर का मालिक हूं, जब ऐसा सोच बोध होगा तो सोचो कि सिंहासन भगवान नहीं है, ये मंदिर का मालिक को वृंदावन में वृंदावन सारे वृंदावन मैं ले लिया, राधा ने तुमको भागा, राधा रानी के राधा रानी वृंदावन का मान क्यों, ब्रजेश्वर भगवान को ब्रजेश्वर लॉर्ड ऑफ वृंदावन, लेकिन जो लॉर्ड ऑफ वृंदावन ब्रजेश्वर कृष्णा पूर्ण राधा रानी का कृपा नहीं होने से हमारा कृपा किसी को नहीं मिलेगा, इस विचार में चलोगे तो रामनामी वृंदावन का कृपा नहीं हो सकती, देखो कितना कितना बार हमारा पाठ पद्मलोचन प्रभु वृंदावन छोड़ के जाने की कोशिश किया, लेकिन लगता है कि राधा के खींच के खींच के बीच में कोई बार विचार लिया दक्षिण भारत में जा रहा है पैसा कमाया, घर में हमारा पैसा जरूरत है, लेकिन जान कभी कभार चला नहीं गया हरिद्वार में, ठीक है बापू मैं हमारा विचार से विचार है इसीलिए खींच के खींच के हमारे बीच से वापस लेता है, इस प्रकार विचार एकदम कृष्ण राम कृष्ण नारायण से कौन रूपे प्रकाश बा कौन है नौता महादेव, सभी कृष्ण का प्रकाश है, हमारा बुद्धि भगवान दिया, जब बुद्धि हमारा पास है भगवान दिया, बुद्धि से विचार सुने हैं लोग चाली
मिलेगा, चार चीजें ना मिलेगा। अब बोल दिया मोदी बता दिया कि एक किलो सब लोग पता चल एक किलो जो लोग बुद्धि है जिनके पास बुद्धि है वो लोग क्या चीज देगा लोहे देगा क्या हो देगा। हाँ क्यों जिला का भाव करना है इस प्रकार देवी देवता भी है भगवान का ही रूप है लेकिन हम भगवान भगवान में जाइए भगवान आपका सहारा हमेशा के लिए रखे एक विचार लेकर के सबको उठना एक विचार लेकर के सबको नाम करना चाहिए एक विचार लेकर के सबको दिन बिताना भगवान से जब कहोगे भगवान पहले बहुत परीक्षा संन्यास हो गया हम कह साल बताया संन्यास हो गया बन गया कथा का अच्छा तरीका से कथा का भी बन गया लेकिन हमारा क्या हुआ मन ही मन विचार आया और लोगों को जोड़ लिया हम कितना बड़ा हमारा पीछे पीछे कितना लोग देखो हमको तो डरा नहीं सकता कुछ बोलोगे तो हमारा पीछे हजारों हजारों लोग तुम्हारा दुख कर देगा। देखो हरियाणा में एक महान रब गुरु था उनका पीछे कितना लोग थे उनको मंत्री लोग जा करके उनका जन्मदिन में चेक देता पता नहीं कितना एक करोड़ आठ लाख रुपए का तीन MLA चेक किया वहां का 30 मिनट से 51 लाख दिया तो बात करेगी तो जन्मदिन में भारत का मंत्री लोग उनको चेक क्यों उनका पीछे 10 करोड़ लोगों का हरियाणा में और जिनको सपोर्ट करेगा वही सीएम आज वो कहां पे है कोर्ट में कर दिया जब विचार हुई हेलीकॉप्टर में अंदर कितना था वो सोच रहा हमको कोई पकड़े नहीं पीछे तो बहुत लोग हैं कहा देना पूरा माहौल को हिला दिया था उनका पापर दिखा के लेकिन आज जमीन और नाम नहीं करा भारत नेशनल सेंट नाम नहीं बताया लेकिन नेशनल से नाम कहा है वो भी चल रहा है हजारों हजारों शिष्य माइक लगा के मंत्र देता है इतना इतना मंत्र ले लगा इतना लोग एक साथ में हजार लोग को शिक्षा देता क्या कैसे शिक्षा देता तो हमको क्या चाहिए हमारा अच्छा लगता है दुर्गा दुर्गा मंत्र तो क्या चाहिए हाँ हमको चाहिए शिव का तिलका शिव तुमको क्या चाहिए कृष्ण अरे तुम्हारा कृष्ण मंत्र में थोड़ा बीजी है लोगों बुद्धि नहीं बुद्धि फंस गया सिद्ध मंत्रो जिनको जय मंत्र में सिद्धि है उसकी मंत्रो को दे हमारा पसंद पापी तो मंत्रो लेना लेना तो ठीक नहीं
होगा जो नहीं, काम नहीं होगा। धोखा वाल गुरु अधोखा वाल शिष्य भी आ गया। शिष्य को रोने से कुछ लाभ नहीं होगा, तुम्हारा बुद्धि भगवान दिया, तुमको विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए विचार करना, सबको सबको विचार करके जिंदगी आगे बढ़ना है। विचार नहीं करोगे आगे लेकर सूच जाओगे तो क्या होगा, आंख में आगे लेकर हाँ भगवान सब सबके सब रक्षा करने वाले, हाँ आंख जो रहा तो पूछ लिया भगवान रक्षा करो होगा, शरीर जलेगा ना, शरीर क्या होगा जल जाएगा, आपका यह धर्म है तो जलाएगा, चलना नहीं आता छाटों में कूद दिया भगवान रक्षा करेगा। तो क्या होगा सागर का कितना जलचर पानी है, बड़ा बड़ा पानी हुए से क्या होता है, तिनी। एक बार मुख मुख पर मुख पकड़ेगा तो क्या होगा, कितना मछली कितना सब लोगों से घुसता है, एक तिनी हवाई 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 एयरलाइन उठा 400 टन कितना बड़ा, देखो उसका कितना बड़ा था, बहुत बड़ा सुना पता नहीं हम सुना, तो देखो सागर में तुम अचानक आवेग लेकर कूदोगे तो क्या होगा, भक्त दिन होगा भौतिक भाव तुमको